हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम हो गया है, 5 बज गई है। मम्मी को दिखा रहे हैं? नहीं दिखा। और चलते हैं बाहर। और आप धूप है, बाहर निकलने का कुछ है नहीं, धूप है। धूप खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद बाहर चलेंगे। तो पापा क्या कर रहे हैं आज? पापा ने दाढ़ी हाँ क्यों हटाई? मेरी मर्जी। किसकी सब्जी बना रहे हो आज? करेले, करेले की, दही करेले, दही करेला। करेला दिखा तो सही, निकालते ये करेले, ये लिए दही और करेले। ये कैसे बनता है दही करेले? ये भगोनी के अंदर मसाला भून के करेले के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाते हैं और ऊपर जाते। ये लड़की क्या लेकर आई है? मार्क्स कहाँ है तेरा? बाहर गई थी ना, तो जा ही नहीं सकती बाहर, मेरे को पता है। उसके पास पैसे नहीं है। वो कोटे कहाँ है? दही ले आएगा? दही ले गया। ये क्या छुपा रही है? पागल है, पागल हो गई ये लड़की तो। अब मगनी कर दे, एक एड्स का मगनी आ जुड़ गया। तो अपने वाला ही बोल देना। मेरे को क्या करिए रहा है? मेरे को क्या रहा है? बोलने है गाइस का मगनी। नमस्ते, नहीं करते सम्मान, नहीं करते। तो राजस्थानी है ना? देखो ये काम कर रही है पापा। और आज आप क्या बना? करेले, 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 करेले। कड़वे कड़वे क्यों? करेले तो कड़वे ही होते हैं। तो खरबूजा काट लीजिए रे यार। कौन सा खरबूजा? और आज आपने एक ही है क्या? हाँ, ज्यादा तो खाओ ही नहीं कोई, ज्यादा तो कोई खाओ ही नहीं, ज्यादा देखते हैं आज कैसे करेले बना के। ज्यादा कड़वे हो गए तो कितने? 5। हाँ। 5 किस किस के? एक चिक्कू का, एक आपका। छोटा वाला पीस क्या होता है? लेग पीस, छोटा वाला पीस। ये छोटा, ऐसा छोटा, ये छोटा। सबसे छोटा वाला कौन सा है तू बता? ये वाला करेला खाएगी? इसको दिखाते, ये वाला खाएगी क्या? हाँ। ले खा के दिखा। ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये पापा, ये पापा, ये पापा खाएंगे। और ये? ये नानी, ये नानी। ये छोटा सा। और ये मामी सा? नहीं नहीं नहीं, ये मामी सा और ये बड़े। मैं तो नहीं खाऊंगा। और ये मेरा करेले की। हां तो ये छोटा वाला, ये इतना सारा भरा हुआ है ये। अब छोटा वाला तो ये है, इसको काट लो। काट ले यार, ये खाएंगे तो सभी। में बस सामने नाटक कर रहे हैं बाद में। चलो कहने हैप्पी भैया के पास चल जा, इसके पास चल जा, कमल के पास चल जा। जा तो सही, तो नीचे जाएगी जब तो खेलेंगे। ऐसे कौन तेरे पास आएगा यहाँ? नीचे नहीं जाके खेलना, कोरोना चलता है, बेकार है, तबीयत खराब हो जाती है बाहर जाने से। कोरोना तो चल रहा है, चल रहा है, कोरोना तो चल रहा है आज, चल रहा है ना। ये देखो लड़की कैसे पड़ी है, देखो ये ऐसे किया। अरे तो ये बेड तो रख दे, इसको क्या कर रही है? इससे तो कपड़े धोते हैं।
ये लड़की पागल हो गई है। और गाइस आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल तो बारिश आ गई थी लेकिन आज तो बारिश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हद से ज़्यादा गर्मी है, छत पे भी जाने की इच्छा नहीं है गर्मी के चक्कर में। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कितनी धूप पड़ रही है आज, छत पे क्या करेंगे, धूप हो रही है, अभी गर्मी हो रही है भयंकर, हवा भी नहीं चल रही है, देख हो रही है ना गर्मी। तेरे को आजकल ऑनलाइन वर्क नहीं मिल रहा है क्या, ऑनलाइन वर्क नहीं मिल रहा है क्या है? कौन से दीदी ने नहीं, तू नाच के दिखा, पसीना देख तेरे को आ रहे है जो। तू आना सागर चौपाटी घूमने गई थी क्या? हाँ। क्या क्या देखा? बंदर था, मामी से इधर देख के और गर्मी लगती है लड़की है क्या हाथ में? मैंने तेरे को कहा कि चिड़िया को डाल दे चूर के, ये चार घंटे आधे रोटी लेके घूम रही है आज तक, कुत्ते को नहीं है, ये चिड़िया के लिए बोला मैंने, कुत्ते को शाम को डालेंगे। ना और दूसरे बच्चे आ रहे हैं, वो देख लो उसको कितने दिन हो गए उसको। हाँ सार तक सार तक हो रहा। हेलो सार्थक बच्चा में ध्यान है। नहीं नहीं अभी तो ऐसे ही है। तो पापा हेलो गाइस पूछ रहे थे कि यार आना सागर के बारे में तो कुछ बताओ। क्या बना बता आना सागर के बारे में, मतलब ये कितना गहरा है, कहाँ कब ये उसमें वापस पानी आया? आना सागर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी, नीचे मार्बल लगा हुआ है मकराना से लाके। तो ये तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने आना सागर बनवाया था कि उनके नाम से। वो जवार जो कहते हैं लीला लीला हरा या लीला जैसे रज का होता है ऐसे हम बोए हुए हैं। और सर 1975 में जब बाढ़ आई थी ना तो हम खुद उसमें बर्बाद हुए, करीबन 2.5 बीघा में हमारी बोई हुई थी जवार, पर वो सब बह गई और सब पानी में गल गई। मजदूरी के चक्कर से इन्हें खुदवाया, नीचे मार्बल लगा हुआ है, अगर आज आना सागर की खुदाई करे तो ये कम से कम भी 13-14 फुट की इसकी गहराई है। 13-14 फुट के बाद में इसमें आराम से वो मार्बल भी निकल जाएगा, फिर पृथ्वीराज चौहान में लगवाया जो, और इसकी सफाई भी हो जाएगी। इसकी भराव क्षमता भी इतनी 13-14 फुट ही है, जबकि अभी ये मलबा ये लोगों की गंदगी मोहल्लों की कॉलोनियों की जा जाके ये मेरे हिसाब से 7 फुट की भी गहराई नहीं होगी अभी इसकी। उनकी नाडी और वो ही गुड़साल की लीप सब मिला के हम बड़े वो बनाते थे चूल्हे, उसके खाना पकता था। उसके बाद धीरे 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 गवर्नमेंट ने कब्जा किया, पुलिस लाइन में पूरे मकान बना दिए, आजन वो भी कब्जा हो गया, इसलिए पूरा ये माहौल बहुत हमारे टाइम बहुत अच्छा था। हम रात को निकलते थे तो डरते थे कि इधर ये पूरी जामुन की नाड़ी भरी रहती थी, इधर ये आम की नाड़ी जिसको काली की नाड़ी भी कहते हैं, माड़ियों की जो एक लेडीज थी यहाँ वो नाल चलाती थी, वो उसके आगे जाते थे तो एक खुर्रा था बंदिया वो अपने शास्त्री नगर का, जिसमें हमने तैरना सीखा, आम की नाड़ी में तैरना सीखा हमने और आज हम तैरना जानते हैं, वो उसी टाइम सीखा था। और जवाहर स्कूल के वहाँ भी एक बहुत बड़ी उन्नवा बावड़ी थी, उस बावड़ी में एक दिन मेरे को क्या मेरे फ्रेंड ने धक्का दे दिया, मैं तैरना जानता नहीं था उस टाइम,
पर पता नहीं किस्मत से मेरी या मुझे क्या हुआ, मेरे को सीढ़ी पकड़ में आ गई या दीवार पकड़ में आ गई, उससे फिर धीरे 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 मैंने चपचपा के सीढ़ियाँ थी उसमें और बाहर निकल गया मैं। उसके बाद मैं तैरना सीख गया, उसके बाद नाड़ी, आम की नाड़ी में भी नया, जामुनी नाड़ी तो थी नहीं, जामुनी नाड़ी में अभी भी अगर खुदाई कराई जाए ना तो कुआ है, अभी भी कुआ है, और वो अगर अपन शिवलाइन थाने से चलें तो फ्रंट में आएगा बिल्कुल मुँह के सामने, और भोपाबाड़ा से आएंगे तो राइट एंड पे पड़ेगा, और पुलिस लाइन से जो मैं बता रहा हूँ वन फॉरेस्ट विभाग से, वो जो बोर्ड ऑफिस के और फॉरेस्ट विभाग के बीच में खुर्रा बना है उस पर लेफ्ट एंड पे पड़ेगा। आदित्य जयंती। तो गाइस पापा जी ने काफ़ी जानकारी दी माना सागर की भी और आसपास के एरिया की भी, जैसे पुलिस लाइन एरिया में, क्योंकि ये बचपन में उसी एरिया में रहे हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी जानकारी दी कि कौन से नाड़ी कितनी, मतलब नाड़ी मतलब पानी के तालाब होते थे छोटे छोटे, उसको मारवाड़ी भाषा में नाड़ी बोलते हैं, जिसमें करीबन 2 से 2.5 फुट 3 फुट पानी होता है, उसको नाड़ी बोलते हैं। तो पापा ने वो बहुत जानकारी दी कि अजमेर में पहले क्या कैसा अजमेर शहर था, कहाँ क्या था, अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, स्मार्ट सिटी बन रहा है, अभी काम चल रहा है काफ़ी, और काफ़ी डेवलप हो गया, लिंक रोड भी काफ़ी डेवलप हो गई, जो लिंक रोड आना सागर के चौपाटी वाले को लिंक रोड कहते हैं हम अजमेर शहर के, वही लिंक रोड है हमारा, लेकिन पहले उसको वहाँ कुछ भी नहीं था, तो पापा बता रहे थे कि आना सागर में क्या क्या हाल होता 75 की बाढ़ का, कुछ टाइम बताया पापा ने 75 की बाढ़ में क्या हुआ था। सो गाइस देख लीजिए, अब ऐसे काफ़ी पॉपुलेशन अजमेर की बढ़ी तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त तो हो गई, और आज पानी का जो है अजमेर शहर में पानी ये आता है लेकिन बाहर से आता है, अजमेर शहर में पानी का सोर्स तो वैसे तो कुछ है नहीं जो, लेकिन पानी जो सप्लाई होती है वो बिसलपुर बांध से अजमेर शहर में होती है, इसके अलावा कोटा से, कोटा जाता है वो पानी और जयपुर जाता है, और भीलवाड़ा भी अब जाने लगा पानी बिसलपुर का, शायद ये लाइन है, तो अजमेर शहर में तो अभी पानी बिसलपुर से ही आता है, लेकिन अपना पर्सनल कोई वो नहीं है अजमेर शहर के पास जहाँ से ये पानी सप्लाई हो सके, इतना पानी अजमेर शहर को दे सके, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी है कि ये छोटे मोटे तालाबों से पानी दे नहीं सकते अजमेर शहर को, और स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बन रही है, तो इसकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण होते जा रहा है, काफ़ी एरिया डेवलप हो रहे हैं यहाँ के आसपास के, आपको लेके चलूँगा, घुमाऊँगा, दिखाऊँगा, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद काफ़ी जगह आपको दिखाऊंगा, जो अभी जो आज से 10 साल पहले कैसे थे, लेकिन आज इतने डेवलप हो गए, स्मार्ट सिटी बन गई इसलिए। हे गाइस टाइम हो चुका है 10:15 और आज तो बारिश भी नहीं आई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अंदर तो बैठ नहीं सकता था, इसलिए ये ब्लॉग भी लास्ट में एंड में हुआ, क्योंकि अब टाइम सोने का हो चुका है, मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि सवेरे जल्दी उठता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ, और गाइस गर्मी आज बहुत ज़्यादा है तो शायद बारिश आने के चांस है, रात को आ सकती है, वैसे बदल हो रहा है बाहर, देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है, गर्मी तो गाइस बहुत ज़्यादा है। सो गाइस अब मैं करता हूँ इस वीडियो को एडिटिंग और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।